जय हिंद चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग सभी। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 89। ओके, और पिछला वाला हम क्या कर चुके हैं, पिछली वीडियो में कर चुके हैं, स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा एंड सोनू वेयर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम। निशा और सोनू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, उन्होंने एक स्टोरी प्रॉब्लम बना रहे थे वो। निशा सेड, निशा ने कहा, 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 13 बॉय हैं एंड 14 गर्ल्स हैं। कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट, क्या आप इस पे कोई प्रॉब्लम बना सकते हो। सोनू रोट, सोनू ने बनाया, देयर आर 13 बॉय एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर। उसने कहा कि एक क्लास में 13 बॉयज़ हैं, 14 गर्ल्स हैं, टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हैं क्लास में। सो वी सॉल्व दिस, आंसर इज 14 बॉयज़ इन अ क्लास इक्वल्स टू 13 गर्ल्स इन अ क्लास इक्वल्स टू 14 टोटल स्टूडेंट ऑल टुगेदर। टोटल स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 प्लस 13, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 1 2, तो हाउ मैनी स्टूडेंट ऑल टुगेदर, 27। नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम विद योर फ्रेंड्स। क्या आप भी बना सकते हो ऐसे प्रॉब्लम अपने दोस्तों के साथ मिलके। लुक एट ईच पिक्चर एंड द वर्ड्स नेक्स्ट टू इट। आप इन पिक्चर्स को देखो और इसको वर्ड्स में बनाओ। राइट योर प्रॉब्लम बिलो इट और नीचे प्रॉब्लम बनाओ। तो ये कह रहे हैं 30 मैन 36 मैन एंड 52 वुमेन्स वेटिंग फॉर देयर टर्न। यहाँ 36 मैन हैं और 52 वुमेन हैं। अपनी बारीक वोट डालने के लिए यहाँ पे देखो, योर वोट काउंट्स। तो ये वोट डालने के लिए क्या कर रहे हैं, जाए गए हैं। तो यहाँ कितने हैं, 36 वुमेन्स हैं और 52 मैन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी ऑल टुगेदर वेटिंग वेटिंग फॉर सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ मैनी वेटिंग वेटिंग हीज ऑब्लिक हर टर्न ऑल टू गेदर। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सो यहां हम इसको सॉल्व कर देंगे, मैन इज देयर इक्वल्स टू 52, वुमेन इज देयर इक्वल्स टू 32, ऑल
together all together equals to 52, ये 36 है, सॉरी 52 प्लस 36 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 8, सो 88 ऑल टुगेदर वेटिंग हिज टर्न. नेक्स्ट इज वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट एंड प्ले फॉर 15 मिनट. हाउ मैनी मिनट क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ मैनी मिनट्स वी हैव ऑल टुगेदर. इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा. आंसर करेंगे मिनट्स फॉर मिड डे मील इक्वल्स टू 20 मिनट्स. ठीक है, टाइम फॉर प्लेइंग इक्वल्स टू 15 मिनट्स. टाइम ऑल टुगेदर इक्वल्स टू 20 प्लस 15, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 3, हैंस वी हैव 35 मिनट्स ऑल टुगेदर. नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम साहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल. ये क्या कह रहा है, द जो पोस्ट ऑफिस है वो 1 किलोमीटर साहिद के घर से है और 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, और उसके स्कूल से कितना है, 2 किलोमीटर है. तो देखो ये साहिद का घर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उसका स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और फिर क्या, स्कूल से कितना है, 2 किलोमीटर है. तो यहाँ से 1 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस साहिद के घर से, और ये उसका स्कूल हो गया. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाएंगे हाउ फार स्कूल फ्रॉम साहिद होम. तो क्वेश्चन बन गया कि साहिद के होम से स्कूल कितने दूर है. आंसर इज पोस्ट ऑफिस फार फ्रॉम साहिद्स होम हाउ मच इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. ओके, स्कूल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इक्वल्स टू
2 किलोमीटर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ साहित साहित होम फ्रॉम स्कूल इक्वल्स टू कितना जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स दिस इज योर होमवर्क यू डू हिमसेल्फ। यदि आपको इसका आंसर चाहिए और पहले तो खुद ट्राई करें, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।